बहुत कम लोग होते हैं जिनको डायरेक्ट किडनी की प्रॉब्लम्स होती हैं। पहले शुगर की शुरुआत होती है बॉडी में कि शुगर का लेवल बढ़ता है और बहुत सालों तक जब वो लेवल कंट्रोल में नहीं रहता तब वो प्रॉब्लम किडनी की प्रॉब्लम में भी कन्वर्ट हो जाती है, साथ में बीपी हाई चल रहा होता है। शुगर के लिए, डायबिटीज़ के लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया से मेरे पास दूर दूर से लोग ट्रीटमेंट लेने के लिए 5-7-10 दिन के लिए आते हैं और उन्हें 3-4 दिन में ही लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो उसमें हम साथ साथ में लीवर को भी टोनअप करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा की कुछ विधियों से। इन दोनों ट्रीटमेंट को देने से पहले का शुगर लेवल एंड किडनी के जो क्रिएटिनिन का लेवल है, ब्लड यूरिया का लेवल है, वो भी चेक करते हैं और उस ट्रीटमेंट के बाद भी। बस फर्क सिर्फ किडनी और शुगर के पेशेंट में इतना है कि शुगर का पेशेंट 2 या 3 दिन में रिस्पॉन्ड कर देगा, लेकिन जो किडनी का पेशेंट है उसको थोड़ा 8-10 दिन का वक्त लग सकता है। नमस्कार दोस्तों, यूनिक फार्मिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से आए हैं डॉक्टर रिंपल के पास। दरअसल नेचुरोपैथी में उन्होंने हमें बहुत सी चीज़ें बताई हैं, मड थेरेपी उन्होंने समझाया है हमें, शिरोधारा समझाई है कि कितनी बीमारियों में इनके लाभ हैं। लेकिन इन दिनों हम जो देख रहे हैं वो है किडनी और डायबिटीज़ की समस्या, जो बहुत आम बनी हुई है, हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को ये समस्या है। तो आज हम डॉक्टर रिंपल से जानेंगे कि आखिर नेचुरोपैथी में इसका इलाज उनके पास क्या है। नमस्कार मैम। नमस्कार। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसा कि हम आजकल देख ही रहे हैं कि लोग किडनी और डायबिटीज़ की समस्या से जूझ रहे हैं, तो हम ज़रूर चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके पास इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से पहले कि उसके कारण क्या हैं और ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। किडनी की प्रॉब्लम पर बात की जाए तो पहले बहुत कम लोग होते हैं जिनको डायरेक्ट किडनी की प्रॉब्लम्स होती हैं। पहले शुगर की शुरुआत होती है बॉडी में कि शुगर का लेवल बढ़ता है और बहुत सालों तक जब वो लेवल कंट्रोल में नहीं रहता तब वो प्रॉब्लम किडनी की प्रॉब्लम में भी कन्वर्ट हो जाती है, साथ में बीपी हाई चल रहा होता है। तो ये है कारण किडनी की प्रॉब्लम का। और रही बात की शुगर की प्रॉब्लम, जिसका हम बात कर रहे हैं कि शुगर की वजह से किडनी की प्रॉब्लम ज़्यादातर आ रही है, उसका शुगर की प्रॉब्लम के कारण बहुत से हैं। एक तो पेरेंटल ही है, आनुवंशिक, अगर मदर फादर को है तो 80% चांसेस हैं कि उन बच्चों को 30 की एज में, 40 की एज में आ ही जाती है शुगर। लेकिन नेचुरोपैथी जो है वो ये नहीं मानती आनुवंशिक को भी, कि आनुवंशिक तो हम मानते हैं कि आपकी किचन है, जैसे नानी दादी जिस रूटीन में, जिस स्टाइल में खाना बना रही थी, जिस स्टाइल से, जिस किचन में खाना रूटीन में जिस तरीके से खाया जाता है, जिस समय पर खाया जाता था, उसी समय से, उसी रूटीन से, उसी तरीके से आगे की पीढ़ी भी उसी तरीके से खाना खा रही है। तो हम तो सारा कारण आपकी लाइफस्टाइल एंड आपकी डाइट को मानते हैं। अगर आनुवंशिक कारण को भी हटाना चाहते हैं तो अपनी किचन को और अपने बनाने के तरीकों को चेंज कर दीजिए। नंबर दो, बीपी का रहना, बीपी अगर नॉर्मल रूटीन में चल रहा है तो शुगर आ ही जाएगी। नंबर 3, ओबेसिटी, ओबेसिक पर्सन को शुगर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ओवरलोड, वजन ज़्यादा हो गया तो पैनक्रियास पर प्रेशर पड़ेगा, आपके सभी ऑर्गन्स पर पड़ेगा, वैसे तो लीवर पर, पैनक्रियास पर, लीवर पैनक्रियास का आपस में काफ़ी गहरा संबंध है। शुगर के लिए, डायबिटीज़ के लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया से मेरे पास दूर दूर से लोग ट्रीटमेंट लेने के लिए 5-7-10 दिन के लिए आते हैं और उन्हें 3-4 दिन में ही लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो उसमें हम साथ साथ में लीवर को भी टोनअप करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा की कुछ विधियों से। उसके अलावा शुगर का कारण मीठा नॉर्मल लोगों में माना जाता है, लेकिन मीठे के साथ साथ जिन लोगों का कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज़्यादा है, खाना खाते ही सो जाना, लेट जाना दिन में भी और रात को भी, ये भी एक कारण है। गेहूँ का इंटेक ज़्यादा है, मीठा तो सब लोग सिर्फ समझते हैं लेकिन इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज़्यादा होना, आपका वर्कआउट कम होना, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, आज के दिन एक कॉमन सा वर्ड बन गया स्ट्रेस, सबके बच्चों के भी जुबान से ही शब्द सुनता है, मुझे टेंशन हो रही है, ये मत करो, वो मत करो। छोटी छोटी बच्चियाँ, छोटी छोटी गुड़िया पेशेंट के साथ जब आती हैं तो अपने मम्मा को ये बोलती ही सुनाई देती हैं, मुझे टेंशन हो रही है। तो स्ट्रेस आज के दिन कॉमन वर्ड है, लेकिन स्ट्रेस के पीछे का कारण एंजाइटी भी है। अगर आपके जीवन में हरी करी एंड वरी है, भाग दौड़ है, आपका मन शांत नहीं है, उसके लिए मेडिटेशन जो शाश्वत पर करवाया जाता है और जो कुछ रिलैक्सेशन के अलग से तरीके सिखाए जाते हैं, वो सीखने के लिए लोग दूर दूर से, शुगर के मरीज दूर दूर से आते हैं। लेकिन आज जो मैं विधि पेश करने वाली हूँ प्रैक्टिकली, वो एक हमारी बहुत अच्छे से पेश होने वाली है पूरे हरियाणा में, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ
पेशेंट को पहले स्टीम बाथ दिया जाता है, इमीडिएट उसे कटी स्नान कहेंगे, हिप बाथ का टब कहेंगे, उसमें हम आधे घंटे के लिए उस पेशेंट को लेटा देते हैं। उसमें हम इन दोनों ट्रीटमेंट को देने से पहले का शुगर लेवल एंड किडनी के जो क्रिएटिनिन का लेवल है, ब्लड यूरिया का लेवल है, वो भी चेक करते हैं और उस ट्रीटमेंट के बाद भी। बस फर्क सिर्फ किडनी और शुगर के पेशेंट में इतना है कि शुगर का पेशेंट 2 या 3 दिन में रिस्पॉन्ड कर देगा, लेकिन जो किडनी का पेशेंट है उसको थोड़ा 8-10 दिन का वक्त लग सकता है। लेकिन किडनी के पेशेंट को जिसको सिर्फ डायलिसिस ही एक ऑप्शन दे दिया जाता है, कुछ सालों की डायलिसिस के बाद उसे किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए बोल दिया जाता है। तो मैम हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को डेमोंस्ट्रेशन भी करके दिखाएं कि ये किस तरीके से आप बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल ये ट्रीटमेंट हमारा बहुत फेमस होने वाला है आने वाले टाइम में, कि किडनी और शुगर के पेशेंट जिनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है लेकिन वो अपना इलाज नेचुरल तरीके से करवाना चाहते हैं, तो ये ट्रीटमेंट सिर्फ हमारा 1 घंटे का है, जिसमें वो अगर घर पर भी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि प्रॉपर सुपरविजन होना जरूरी है। सबसे पहले 10 से 15 मिनट के लिए वाष्प स्नान दिया जाता है, जिसमें कि पूरा पसीना, पसीने के द्वारा टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। उसमें शुगर के पेशेंट को लाभ ये होता है कि शुगर बैलेंस होने लगती है एंड किडनी में किडनी पर लोड कम हो जाता है। लेकिन किडनी के रोगी को हम 10-15 मिनट स्टीम बाथ नहीं देंगे, अगर सीवियर रोगी है तो 5 से 6 मिनट के लिए, नहीं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मिनट के लिए स्लो स्टीम पर उन्हें बिठाएंगे। और उसके बाद जब हिप बाथ के टब में लिटाया जाता है, तो हिप बाथ के टब में अगर ठंडे पानी में लिटाते हैं तो इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और किडनी को बल मिलता है। जो किडनी हमारी बैक पर लगी हुई है, 2 किडनीज हमारी, दोनों किडनीज को बहुत अच्छा पोषण मिलता है हिप बाथ के टब के द्वारा, तथा जो हमने पहले डेमोंस्ट्रेट किया हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस पट्टी, वो पट्टी भी किडनी के रोगी के लिए रामबाण चिकित्सा है अगर वो प्रतिदिन दोनों समय सुबह शाम पेट पर उसे किडनी पर लगाता है। लेकिन किडनी के रोगी के लिए स्टीम थोड़ी देर की और उसके बाद हिप बाथ का टब 40 मिनट का, ये अगर रेगुलर किया जाए, और डिपेंड करता है कि आप ठंडा पानी डालेंगे या गुनगुना डालेंगे और या फिर नॉर्मल वाटर ही डालेंगे। कोशिश करेंगे कि हम ठंडा पानी लें, क्योंकि स्टीम बाथ के बाद जब शरीर पूरी तरह से हॉट हो चुका होता है, गर्म हो चुका होता है, उसके बाद ठंडे में ही लिटाया जाता है। जी मैम, तो जो हिप बाथ ले रहे हैं उस समय जो पेशेंट उसके अंदर लेटने वाला है टब के अंदर, तो वो पोजीशन क्या रहनी चाहिए? उसमें पेशेंट के पांव चौकी पर रहेंगे, उनकी जो स्पाइनल कोड है पूरा स्पाइन का एरिया टब के साथ सटा हुआ रहेगा, पेट पर वो क्लॉकवाइज पानी डालते डालते हाथ चलाते रहेंगे, इस तरह से कटी स्नान लेना चाहिए। ये तो आपने पूरी प्रक्रिया बता दी किस तरीके से कटी स्नान कर सकते हैं, क्या ये संभव है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति क्या घर पर इसे कर सकता है? देखो, अगर किडनी के रोगी हैं तो उन्हें अंडर सुपरविजन नेचुरोपैथी, जो जितने सेंटर चिकित्सालय खुले हुए हैं वहाँ पर ही लेना चाहिए, क्योंकि कई तरह के कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। स्टीम बाथ के बाद जब टब में लिटाते हैं, कोई पसीना अगर स्टीम बाथ में ज़्यादा आ गया, थोड़ी बीपी डाउन जाने की समस्या आ सकती है, बेचैनी घबराहट हो सकती है। लेकिन शुगर के रोगी ये कटी स्नान का टब अपने घर पर रखें, और कुछ लोगों में मैंने देखा है कि नॉर्मल जो बाथ टब होते हैं, नॉर्मल कपड़े धोने के टब में ही लेटकर वो स्नान ले रहे हैं, वो बहुत गलत है, क्योंकि कटी स्नान आपने अभी पिक्चर में देखेंगे उस टब की जो आकृति है वो अलग है, उसमें आपका पूरी बॉडी के अंदर जो मिड पार्ट है वही पानी में डूबता है, और उसमें जब पांव ऊपर की तरफ रहते हैं तो उसका इफेक्ट कुछ अलग आता है। तो उस तरह का टब अगर आप घर पर समझते हैं कि आप रख सकते हैं, उस तरह के टब को रख के आप नॉर्मल पानी का या थोड़े ठंडे पानी का, मटके के पानी का हिप बाथ टब रोज़ाना लें, बहुत ही लाभ होगा। और अगर शुगर का रोगी अर्ली मॉर्निंग उठते ही फ्रेश होने के बाद इस टब में 20 से 30 मिनट लेटने के बाद तेज ब्रिस्क वॉक पर निकल जाए तो उसका शुगर का लेवल ड्रास्टिकली डाउन जाएगा। तो दोस्तों, डॉक्टर रिंपल ने हमें बड़ी ही बारीकी के साथ समझाया कि कैसे आप कटी स्नान कर सकते हैं, कैसे आप स्टीम बाथ ले सकते हैं, जो उन्होंने बताया कि शुगर और किडनी के पेशेंट्स के लिए ये कितनी लाभदायक है, इसके साथ ही उन्होंने अच्छे से समझाया है, इसके लिए आप ज़रूर पूरी वीडियो देखें। इसके अलावा इस थेरेपी से संबंधित यानी कोई नेचुरोपैथी से संबंधित आप जानकारी डॉक्टर रिंपल से सीधे लेना चाहते हैं, परामर्श लेना चाहते हैं, तो हमने अपनी वीडियो में उनका नंबर भी दिया है, आप सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो सभी जानकारियाँ आपको जितनी ज़रूरी हैं वो सभी मिली होंगी इस वीडियो के अंदर, तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।